हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2021 की आज बात करने वाले हैं। ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 का लुक किस तरह का है, और इसमें हम एक यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये इंटरफेस देखिए, ये इंटरफेस मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाता है और बस आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको जो भी टेबल का नाम देना है वो यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज कीजिए मैं इस टेबल को नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट की टेबल है और इसे नाम दे दिया प्रोडक्ट और यहाँ पे ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दो कॉलम्स आपको दिखाई देंगे, एक तो फील्ड नेम का कॉलम है, दूसरा डेटा टाइप का है। अब ये जो फील्ड नेम है इसमें प्रोडक्ट की आईडी आएगी जो कि हमेशा यूनिक होगी। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या एक टेबल में दो प्राइमरी कीज हो सकती है? तो देखिए, एक तो प्राइमरी की ये हो गई तो ये तो यूनिक होगी। अब यहाँ पर अगर हम दूसरा प्राइमरी की बनाना चाहें, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ सीरियल अंडरस्कोर नंबर, तो क्या दूसरा प्राइमरी की बनाना अलाउ है? नहीं, दूसरी की प्राइमरी की नहीं बन सकती है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करने पे ये प्राइमरी की यहाँ पे आ जाती है, यानी ये प्राइमरी की बन जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही को प्राइमरी की बना दिया जाए इस तरीके से? तो आइए एक बार देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, प्राइमरी की में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू आप एंटर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर ओके करते हैं और यहाँ से इस तरीके से। तो अभी देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी क्या आ रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, जबकि यहाँ पर आते हैं सीरियल नंबर, तो यहाँ पे सीरियल नंबर हमने 12 एंटर करा और यहाँ पे फिर 12 एंटर करा, तो यहाँ पर देखिए 12 जो है एक्सेप्टेबल है, जबकि इन द केस ऑफ प्राइमरी की दोबारा 12 लिखने पर यह अपोज करता है, विरोध करता है इस बात का कि आप यहाँ लिख नहीं सकते दोबारा ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्राइमरी की का तो वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी, जब भी होगी तो क्या होगी, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी। अब इसको मैं यहां से डिजाइन व्यू पे वापस लेता हूं और यहां से ये जो सीरियल नंबर है यहां से इसको प्राइमरी की से हटा देता हूं। अब जब आप इसको देखेंगे ना, देखिए यहां से दोनों प्राइमरी कीज गायब हो चुकी है, तो यहां पर एक को तो प्राइमरी की रखेंगे हम। अब देखिए ये प्रोडक्ट आईडी जो है प्राइमरी की का काम करेगी, चाहे तो आप इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, यहां से शॉर्ट टेक्स्ट या कुछ भी कर सकते हैं यहां से जाके। ये देखिए ये हो गया। अब ये देखिए यहां पर 1 2 3 आ रहा है, क्या हम 3 को रिपीट कर सकते हैं? तो यहाँ 3 लिखा दोबारा और यहाँ 12 लिखते हैं, अभी तक तो रिपीट हो रहा है, लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे तो ये हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है और यही प्राइमरी की का कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा डेटाबेस इससे भरा पड़ा है, चाहे आप MySQL पढ़ लीजिए, SQL सर्वर पढ़ लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ लीजिए, या इस तरह का कोई भी ओरेकल डेटाबेस पढ़ लीजिए, फॉक्स प्रो पढ़ लीजिए, कोई भी ऐसा डेटाबेस आप पढ़ते हैं तो आपको यही सेम चीज देखने को मिल जाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी की हमेशा यूनिक ही होगी, इसलिए डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। तो प्राइमरी की डेफिनेशन याद रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।